हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एक्सप्लेन यू पोएम द लव्स एंड द मॉस्किटो व्हिच इज रिटन बाय विक्रम सेठ। लव्स होती हैं जुएं जो कि सिर में इंसेक्ट हो जाते हैं हेड में, और मॉस्किटो मच्छर। इट इज गुड टू बी जेनरस एंड हॉस्पिटेबल बट इट मे प्रूव आउट टू बी डेंजरस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये अच्छा होता है हर किसी के लिए कि वो दयावान हो और हॉस्पिटेबल मीन्स मेहमान नवाजी करें, लेकिन कई बार वो उन्हें खतरे में डाल देती है किसी किसी हालात में। रीड दिस डिलाइटफुल पोएम टू नो हाउ द लव्स इनवाइट्स ट्रबल फॉर हर एंड हर ट्राइब बाय बींग अ होस्ट टू अ मॉस्किटो। अब ये मजेदार पोएम पढ़ते हैं जिसमें एक जू एक लव्स अपने आप को और अपनी फैमिली को मुश्किल में डाल देती है एक मच्छर को मेहमान बनाकर। दिस पोएम इज कॉल्ड अ बैलेड एज इट टेल्स अस अ स्टोरी। इस पोएम को बैलेड कहा जाता है क्योंकि इसमें पोएम के अंदर ही स्टोरी बताई हुई है। एंड यस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी स्टार्ट द पोएम। इन द किंग्स बेड क्रीप द लव्स लिव्ड इन हर एंसेस्ट्रल हाउस। एक राजा का बेड था जिसमें लव्स रहती थी। क्रीप रेंगने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, लव्स भी रेंगती है, तो लव्स रहती थी जो कि उसका एंसेस्ट्रल हाउस था, मीन्स उसकी पूर्वजों का वो घर था, मीन्स उसके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यहाँ पर रहते थे। दे हैड ड्वेल्ड देयर एज अ फ्राइट फॉर 3 decades एंड ईच नाइट शी एंड हर इनॉर्मस ब्लड ड्रैंक द किंग्स ब्लड फॉर देयर फूड। वो यहाँ पर 30 सालों से रह रहे थे, मीन्स उनके बहुत बड़ी फैमिली यहाँ पर रह रही थी, और हर रात को वो और उनकी बहुत बड़ी फैमिली राजा का ब्लड पीते थे अपने खाने के लिए। Once the signal came from creep that the king was fast asleep, quietly, discreetly they nipped and sipped and drank away. और जैसे ही वो creep लाउज इशारा करती थी कि राजा बहुत गहरी नींद में सो गया है, चुपचाप बड़ी सावधानी से वो आती और उसे काटती और चूसती और खून पीकर चली जाती। Sons and grandsons, sisters and brothers, great-granddaughters, great-grandmothers, second cousins and their wives thus pursued their gentle lives, lives of undisturbed delight, growing plump and smooth and white. बेटे, बेटों के भी बेटे, बहने, भाई, great granddaughters, पर पोतियाँ, पर दादियाँ, दूसरी कजन्स, उनकी वाइफ्स, सब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। उनकी खुशी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी और वो अपना मोटी ताजी हो रही थी और खूब अच्छे से वहाँ रह रही थी। वन डे अ मॉस्किटो फ्लू थ्रू द विंडो। एक दिन वहाँ पर खिड़की से एक मच्छर आता है। एज इट ड्रू क्लोजर टू द वेलवेट बेड कैनोपिड विद गोल्ड ही सेड। और जैसे ही वो मखमली बेड के पास में आता है जिसका पूरा सोने का मंडप होता है, वो कहता है लवली जस्ट अ प्लेस फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। आहा व्हाट परफ्यूम, लेट मी सी, रोज नो जैस्मिन। और उसे खुशबू आती है, वो गेस करता है किसकी खुशबू है। पहले वो रोज की सोचता है, फिर कहता है नहीं, जैस्मिन की है। एंड द क्विल्ट स्मूथ एज बैंक्स ऑफ गंगेस सिल्ट। और जो वहाँ की रजाई थी वो इतनी स्मूथ, इतनी मखमली जैसे कि गंगा नदी की सैंड। लेट मी टेस्ट द बेड स्प्रिंग्स नाउ, सो ही जम्प्ड अप एंड समहाउ इन अ पैराबोलिक लीप लैंडेड नॉट टू फार फ्रॉम क्रीप। और वो कहता है अब मैं यहाँ के गद्दे चेक करता हूँ, तो वो कूदता है और झुके हुए में ही ऊंचाई से ही वो उस क्रीप के पास आके गिरता है। सर मॉस्किटो फ्लैप योर विंग्स लीव एट वंस दिस बेड्स द किंग्स। तो वो लाउज उस मॉस्किटो के देख के कहती है कि मॉस्किटो आप यहाँ से चले जाइए, अपने पंख से उड़कर यहाँ से चले जाइए। लीव एट वंस, ये जगह यहाँ से छोड़ दीजिए, ये राजा का बेड है। हु मे यू बी लेडी लाउज, तुम कौन हो लेडी लाउज। तो वो कहते हैं आई एम द गार्जियन ऑफ दिस हाउस, वो कहती है मैं इस घर की संरक्षण हूँ। House, this quilt, it's mine, said creep. तो वो कहता है घर, तो वो कहती है इस रजाई की, ये रजाई मेरी है। वो लाउस कहता है बात, there is no place for you, surely. तो वो कहता है, लाउस कहता है यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाइए।
तो मॉस्किटो क्या कहता है, लेट मी स्लीप हेयर फॉर वन नाइट एंड आई विल कैच द मॉर्निंग फ्लाइट। वो कहता है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर एक रात के लिए रुकने दो और मैं सुबह होते ही यहाँ से उड़ जाऊंगा। एंड एट लास्ट हिज प्रेयर्स वर हीडेड फॉर द टेंडर हर्टेड क्रीप कुड नॉट बियर टू वॉच हिम वीप। और आखिरकार उसकी रिक्वेस्ट को, मॉस्किटो की रिक्वेस्ट को वो लाउस मान लेता है, क्योंकि वो दया, वो कोमल हृदय की क्रीप होती है, उसे उसका रोना देखा नहीं गया। वेलकम मैन शी सेड एट लास्ट, बट टू नाइट यू विल हैव टू फास्ट। वो कहती है ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन तुम्हें आज रात को यहाँ पर फास्ट रखना पड़ेगा, मीन्स तुम यहाँ पर कुछ खा पी नहीं सकते। फॉर ऑन नो अकाउंट मे यू बाइट हिम एज वी आर ट्रेन टू डू। तुम यहाँ पर किसी को काट नहीं सकते, मीन्स तुम राजा को यहाँ पर डंक नहीं मार सकते, क्योंकि हमें तो इसकी आदत पड़ी हुई है। वी कैन ड्रिंक एंड कॉज नो पेन लॉस ऑफ रॉयल स्लीप और स्ट्रेन। हम यहाँ पर उनका खून चूसते हैं, उन्हें कोई दर्द भी नहीं होता है, ना उनकी नींद खराब होती है, और हमारा आने का कोई नामो निशान भी नहीं बचता है। यू आई फेयर वुड कॉज ऑल थ्री। और मुझे डर है कि तुम अगर उन्हें डंक मारोगे तो तुम तीनों चीजें करोगे, उन्हें दर्द भी करोगे, उनकी नींद भी खराब करोगे, और अपने आने का निशान भी छोड़ दोगे यहाँ पर। आई कांट रिस्क माई फैमिली। और वो लाउस कहता है कि मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। बट द क्लिप मॉस्किटो क्राइड, लेकिन वो मॉस्किटो फिर चला के चलता है और फिर रोता हुआ कहता है नाउ यू हैव लेट मी कम इनसाइड लेडी लाउस, हाउ कैन यू बी कोल्ड इन हॉस्पिटलिटी। तुमने मुझे अंदर तो आने दे दिया, लेकिन तुम मेहमान नवाजी में कमी क्यों कर रही हो। जस्ट वन बाइट आई आस्क नो मोर, फॉर आई हैव लर्न फ्रॉम लर्न लॉर्ड दैट द रॉयल ब्लड कंटेन्स। वो कहता है मुझे, मैं सिर्फ एक बार डंक मारूंगा, मैं एक बार से ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहावतों में भी सुना है, क्योंकि जो शाही खून होता है, मीन्स जो राजाओं के खून होते हैं, रेमेडीज फॉर एक सैंड पेन्स जिंजर हनी शुगर स्पाइस कार्डमम एंड ऑल थिंग्स नाइस। वो कहते हैं उसमें दर्दों के इलाज होते हैं, जिंजर होता है, हनी शुगर स्पाइस कार्डमम, ये सारे मसाले, जिंजर अदरक हनी शहद शुगर चीनी स्पाइस मसाले कार्डमम इलायची और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सेव मी, मुझे बचा लो, आई एम इन ब्रोकन हेल्थ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। लेट मी बाइट हिम वंस बाय स्टेल्थ, मैं उसे एक बार बस चुपचाप काटूंगा, मुझे काटने दो। ही वॉन्ट इवन शिफ्ट और साई अक्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। वो कहता है कि वो राजा जरा सा भी नहीं हिलेंगे, प्लीज मेरे दिल की तरफ देखो, वरना मैं तो मर जाऊंगा। फाइनली द लाउज एग्रीड, राइट शी सेड, बट पे क्लोज हीड, वेट टिल वाइन फैटिक और डीप ड्रीम एनरिच्ड अनब्रोकन स्लीप हैज एनवलप्ड हिम। तो लाउज फाइनली मान जाती है उसकी बात, वो कहती है ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सावधानी से इंतज़ार करना जब तक वो अपनी ड्रिंक नहीं पी लेते और नींद थक नहीं जाते और गहरे सपनों में, गहरी नींद में नहीं आ जाते, जब उनको गहरी नींद ना घेर ले, जब तक उन्हें डंक नहीं मारना। देन गो लाइटली निप्स हिज लिटल टो, और जब वो गहरी नींद में आ जाए तो तब चुपचाप जाना और उनके पैर की छोटी उंगली पर काटकर, हल्का सा काटकर आ जाना। यस 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 दैट्स ऑल ओल्ड हैट। वो कहते हैं हाँ 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 ये तो पुरानी सलाह है। सेट सर लीप आई नो ऑल डेट कीप योर स्टेल एडवाइस। वो कहता है मुझे सब पता है, ये अपनी एडवाइस, अपनी सलाह अपने पास रखो। ही स्माइल्ड सीरियसली आई एम नॉट अ चाइल्ड। और वो मॉस्किटो कहता है मैं कोई बच्चा बच्चा नहीं हूँ, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। इट वॉज ओनली आफ्टरनून फेयरली अर्ली फेयरली सून वेन द किंग केम फॉर अस नोज डॉफ दिस क्राउन एंड शर्ट एंड शूज ले डाउन ऑन द बेड एंड साइड। तभी आफ्टरनून में, दोपहरी में, थोड़ा जल्दी राजा आता है सोने के लिए, अपना मुकुट उतारता है, शर्ट शूज उतारता है, बेड पर लेटता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। द मॉस्किटो ऑलमोस्ट डाइड फ्रॉम एक्साइटमेंट शॉक एंड स्वेट। और मच्छर जो है उसे डंक मारने के लिए मरा जा रहा था एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटेड हो रहा था वो। नो द लाउस क्राइड, नो 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 नॉट येट बट टू लेट द सेल्फ विल्ड बम्बलर, ओ इफ ओनली ही हैड बीन हम्बलर। रशिंग टू द रैश अटैक लिफ्ट अप ऑन द रॉयल बैक एंड विद फियर्स एंड फियर स्ट्रिंग डीपली डग द डोजिंग किंग।
और वो लाउज मना करती है उसे, नहीं अभी नहीं जाना, लेकिन बहुत लेट हो चुकी होती है वो मॉस्किटो, तो अपनी एक्साइटमेंट में बड़ी तेजी से उसके पास उड़ जाता है राजा के पास, और उसके पीछे पीठ पर बहुत तेज बड़ा भयंकर उसमें बड़ा गहरा उसके डंक मार देता है सोते हुए। हेल्प अ स्कॉर्पियन अ स्नेक, स्क्रीम द किंग एट वंस अवेक, आई हैव बिन बीटन, सर्च द बेड। तभी राजा को जैसे ही वो डंक मारता है, एकदम राजा चिल्लाता है, नींद से जागता है, बचाओ, किसी स्कॉर्पियन ने, किसी बिच्छू ने, किसी सांप ने मेरे काट लिया है, उसे ढूंढो, फाइंड एंड स्ट्राइक द क्रिएचर डेड। और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, उसे ढूंढो और उस प्राणी को, उस जीव को मार दो। वेन दे मेड अ क्लोज इंस्पेक्शन द मॉस्किटो फॉल डिटेक्शन हिडन इन द कैनोपी बट द लाउज क्लैन कुड नॉट फ्ली। लेकिन जब वो उसके जो सैनिक होते हैं वो बड़े ध्यान से देखते हैं, ढूंढते हैं, तो मॉस्किटो उड़ के छुप जाता है, वो जो मंडप होता है बेड का उसमें छुप जाता है, लेकिन जो लाउज होती है, लाउज की फैमिली होती है, वो उड़ नहीं पाती है। ऑल वर किल्ड विदाउट एडो, और वो बिना देर किए सारी मार दी जाती हैं, विदाउट एडो मीन्स बिना देर किए। मीन वाइल द मॉस्किटो फ्लू लुकिंग आउट फॉर फर्दर प्रे हमिंग माइल्डली ऑन हिज वे। और तभी वो मॉस्किटो वहां से उड़ जाता है अपने दूसरे शिकारी के लिए, और अपना हम करते हुए वो उड़ता चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम से हमें लेसन मिलता है कि हमें किसी की हेल्प इतनी ही करनी चाहिए जो हमें और हमारी फैमिली को रिस्क में ना डाले, उन पर खतरा ना पड़े। ओके, थैंक यू, बाय बाय।